अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च का बड़ा दावा, सेबी चीफ माधवी बुच और उनके पति का अडानी विवाद से कनेक्शन, सेबी चीफ ने आरोपों को बताया गलत और बेबुनियाद। महाराष्ट्र की सियासत में पोस्टर वॉर जारी, उद्धव गुट के शिव सैनिकों ने कोल्हापुर में एमएनएस ऑफिस के बाहर लगे पोस्टर्स और होर्डिंग्स पर जमकर तोड़फोड़। मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए उद्धव ठाकरे ने मातोश्री पर बुलाई बैठक, दोपहर करीब 12:30 बजे विधायकों और सांसदों के साथ मीटिंग करेंगे उद्धव। ठाणे के शिवसेना नेता भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र के ठाणे में उद्धव ठाकरे ने फिर अमित शाह की अहमद शाह अब्दाली से तुलना की, कहा हमें चाहिए बीजेपी मुक्त, जय श्री राम। उद्धव ठाकरे की गाड़ी पर हमले के बाद बिना नाम लिए संजय राउत का अमित शाह पर हमला, कहा अहमद शाह अब्दाली के इशारे पर हो रहा है काम, 2 महीने बाद एक्शन का दिखेगा रिएक्शन। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से एनकाउंटर, कोकरनाग इलाके में मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हुए हैं, 1 जवान जख्मी हुआ, 1 आम नागरिक की भी मौत की खबर। ऐलान, गडोले में आतंकियों के छिपे होने की खबर, सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे इलाके को घेरा, सर्च ऑपरेशन जारी। प्रियंका गांधी ने 2 जवानों की शहादत को किया नमन, कहा ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें, परिजनों के लिए जताई गहरी संवेदनाएं। देश के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ से मची तबाही, आज भी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है, दिल्ली में येलो अलर्ट जारी। भारी बारिश की वजह से बढ़ा नर्मदा नदी का जल स्तर, खतरे के निशान को देखते हुए सरदार सरोवर डैम के 5 गेट खोल दिए गए हैं, तकरीबन 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, आसपास के गांवों के लिए अलर्ट जारी। केदारनाथ और बद्रीनाथ हाईवे पर खतरनाक हुआ सफर, डोलिया देवी के पास लगातार टूट रहे हैं पहाड़, डोलिया देवी के पास केदारनाथ हाईवे आज सुबह से बंद। बूंदी में फिर दिखा पानी का रौद्र रूप, मूसलाधार बारिश के बाद सड़क पर बहता दिखा पुलिस का बैरिकेड, पहाड़ों से आने वाले पानी ने जमकर कोहराम मचाया, रास्तों पर किया कब्जा। राजस्थान के कई जिलों में जारी है बारिश का सितम, गंगापुर सिटी में सड़कें बनी दरिया, दुकानों और घरों में घुसा पानी, प्रशासन ने अगले आदेश तक स्कूल बंद रखने का आदेश जारी किया। सीकर में भारी बारिश से शहर की गलियां रास्ते जलमग्न हो गए हैं, अजीतगढ़ इलाके में कई घरों में घुसा बारिश का पानी, लोगों को आने जाने में दिक्कत। हिमाचल में शिमला सिरमौर नेशनल हाईवे पर आया मलबा, सतौन कस्बे के पास पहाड़ का भारी भरकम हिस्सा सड़क पर जा गिरा, मलबा आने से सड़क पर आवाजाही बंद। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का आज हिमाचल दौरा, बाढ़ प्रभावितों से करेंगे मुलाकात, रामपुर में तबाही वाले इलाके में हालात का लेंगे जायजा। हिमाचल के मंडी में जमीन खिसकने से हड़कंप, पेट्रोल पंप के पीछे की पहाड़ी से भरभराकर गिरा मकान, बाल बाल बचा पेट्रोल पंप, जान माल के नुकसान की खबर नहीं। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे के डोलिया देवी के पास टूटा पहाड़, सड़क पर गिरा बोल्डर और मलबा, देर रात केदार घाटी में हुई है जोरदार बारिश। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बरसात के चलते लैंडस्लाइड की समस्या, सड़कों पर बिछा मलबा, दहशत में इलाके के लोग, जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हुए मंडी के छात्र, पिपली के गांव रोपा की तस्वीरें सामने आई हैं, पैर फिसलने से एक महिला पानी में गिरने से बाल बाल बची। उत्तराखंड के नैनीताल में नैनी झील पानी से लबालब हो गई है, लगातार बारिश के चलते झील में बढ़ा पानी, ओवरफ्लो का खतरा देखते हुए खोले गए हैं झील के गेट। बारिश ने बिगाड़ी शहर की सूरत, अंबाला में बारिश के बाद सड़कों पर भारी जल जमाव की समस्या, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा। यूपी के प्रयागराज में उफान पर गंगा और यमुना नदी, रिहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, नदी किनारे मंदिर मठ में भरा पानी, कई गांव के संपर्क टूटे। वाराणसी में गंगा और वरुणा नदी की वजह से कुछ इलाकों में मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा, वरुणा कॉरिडोर मार्ग पर गाड़ियों का आना जाना बंद कर दिया गया है, रिहायशी इलाके डूबने के कगार पर। वाराणसी में गंगा नदी का घटा जल स्तर, लेकिन काशीवासियों को राहत नहीं मिली, अभी भी गंगा में डूबे हुए हैं सभी घाट, नाव संचालन पर अभी भी पूरी तरीके से रोक। बिहार के सहरसा में उफान पर बह रही है कोसी नदी, सड़कों तक आया नदी का पानी, कई गांव का टूटा आपस में संपर्क, जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं लोग।
पटना में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। कृष्णानगर घाट तक पहुंचा पानी। घाट पर बना फुटवे पानी में डूबा। आने जाने के लिए प्रशासन ने बालू के बोरों का इंतजाम किया। बिहार के हाजीपुर में नदी के बहाव में बहा एक और पुल। कई गांवों का संपर्क टूटा। हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। 20 साल पहले विधायक पंडित से ये पुल बनाया गया था। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में तेज बरसात से नदी नाले उफान पर हैं। जिले के उतावली नदी में बाढ़ का पानी आने पर लोग जान जोखिम में डालकर यहां नदी पार करने को मजबूर। बारिश ने छत्तीसगढ़ की SECL कोरबा गेवरा खदान में तबाही मचाई। पानी के साथ पथरीली मिट्टी खदान में पहुंची। कई मशीनें मिट्टी में दबी। कोयले के उत्पादन पर इसका असर पड़ा। वायनाड में राहत और बचाव अभियान में जुटे सेना के 171 जवानों का पंगोडे मिलिट्री स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। अब भी 12 जवान वायनाड में ही तैनात हैं। केरल के कई जिलों में आफत बनकर बरसेंगे बादल। पलक्कड़ और मलप्पुरम में आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कोझिकोड और वायनाड में भारी बारिश होने की चेतावनी। आज देश के किसानों को खास तोहफा देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ज्यादा उपज देने वाली 61 फसलों की 109 किस्में करेंगे जारी। किसानों और वैज्ञानिकों से भी पीएम मोदी करेंगे संवाद। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या के मामले में IMA ने दिया है 48 घंटे का अल्टीमेटम। CBI जांच, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और परिवार को 1 करोड़ रुपए मदद देने की मांग। महिला डॉक्टर की हत्या पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा CBI समेत किसी भी एजेंसी से जांच के लिए तैयार। आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग करेगी सरकार। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजुमदार और बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। कहा अगर राज्य सरकार चाहेगी तो CBI जांच के लिए तैयार। कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार गोयल ने कहा सबूतों के आधार पर एक आरोपी गिरफ्तार। मामले की SIT कर रही है जांच। पूरे पोस्टमार्टम प्रक्रिया की कराई गई है वीडियोग्राफी। 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा गया आरोपी। पुलिस के मुताबिक अस्पताल कर्मचारी नहीं है आरोपी। अस्पताल के कई विभागों में उसका बेरोक टोक था आना जाना। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या से पहले यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई है। कोलकाता के RG अस्पताल में मिला था महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव। नाइट ड्यूटी कर रही थी महिला डॉक्टर। बांग्लादेश में सड़क पर उतरा हिंदू समुदाय। ढाका के रामबाग चौराहे पर किया गया प्रदर्शन। अंतरिम सरकार से देशभर में हिंदुओं को सुरक्षा मुहैया करवाने की मांग। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साधा विपक्ष पर निशाना। कहा वोट बैंक खिसकने के डर से बांग्लादेशी हिंदुओं के हालात पर विपक्षी दलों ने साधी हुई है चुप्पी। पीड़ितों के साथ खड़े होना हमारी जिम्मेदारी। बांग्लादेश के हालात पर बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार का बयान। 2 करोड़ से ज्यादा हिंदू हो रहे हैं इस वक्त प्रताड़ित। परेशान किए जा रहे लोगों की मदद करे सरकार। बांग्लादेश सीमा पर BSF ने बढ़ाई चौकसी। कूच बिहार सीमा पर हालात पर नजर रखने के लिए जवानों की तैनाती। 0 पॉइंट पर लगातार बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं बांग्लादेशी नागरिक। बांग्लादेश में बिगड़े हालात का भारतीय बाजार में दिखा असर। मसाला इंपोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन के सचिव हितेन गांधी ने कहा व्यापार फिलहाल पूरी तरीके से बंद। लखनऊ एयरपोर्ट से एक बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किया गया है। टर्मिनल 3 के इमिग्रेशन काउंटर से उसको दबोचा गया। बैंकॉक जाने की फिराक में था आरोपी। फर्जी नाम से बनवाया था पासपोर्ट।